भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। शनिवार की रात को साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली है। लेकिन साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। दिस इज MK तवर और व्याख्या में आज हम T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुए कुछ रोचक तथ्य और रिकॉर्डों के बारे में चर्चा करेंगे। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 169 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने शानदार 76 रनों की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साथ ही 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो चलिए बात करते हैं टूर्नामेंट के दौरान हुए कुछ रोचक फैक्ट्स की। टीम इंडिया अनबीटेबल रहते हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। उसने अनबीटेबल रहने वाली साउथ अफ्रीका को फाइनल में 7 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया स्कोर को डिफेंड करते हुए दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इससे पहले केवल 3 बार ही स्कोर को डिफेंड करते हुए किसी टीम ने फाइनल जीता है। भारत ने 2007 में और वेस्ट इंडीज ने 2012 में स्कोर को डिफेंड करते हुए फाइनल जीता है। जसप्रीत बुमराह ICC टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बने हैं। उन्होंने 37 साल और 2 महीने की उम्र में खिताब जीता है। टीम इंडिया 2 वनडे वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है। टीम इंडिया 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी टीम बनी है। इससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ऐसा कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल में बने कुछ रिकॉर्ड्स की और शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ICC टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा फाइनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 8 बार ICC के फाइनल मैच खेले हैं। रोहित शर्मा के बराबर ही विराट कोहली ने भी 8 बार ICC के फाइनल मैच खेले हैं। इन दोनों ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा है जिन्होंने 7 बार ICC ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला है। रोहित शर्मा T20 के सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाले भारतीय बन गए हैं। वे 11 फाइनल का हिस्सा रहे हैं। ओवरऑल खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित से ज़्यादा डेवन ब्रावो, केरन पोलार्ड 16, शोएब मलिक 15, सुनील नरेन 11 फाइनल का हिस्सा रह चुके हैं। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। उन्होंने 50वें मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाई है। रोहित के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी पाकिस्तान को बतौर कप्तान 48 T20 मैच जिताए हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम ब्रायन मसाबा ने युगांडा की कप्तानी करते हुए 44 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा ने कैरियर में 9वीं T20 ट्रॉफी जीतने के साथ कप्तानों की सूची में MS धोनी की बराबरी कर ली है। दोनों ने 9-9 T20 टूर्नामेंट जीते हैं। रोहित ने 6 IPL, 2 T20 वर्ल्ड कप और 1 निदास ट्रॉफी जीती है। रिकॉर्डों की बात हो रही है और उसमें विराट कोहली की बात ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं विराट कोहली के रिकॉर्डों की। विराट कोहली सबसे ज़्यादा 4 अलग अलग ICC ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विराट ने 2008 में U19 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। कोहली T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। वे T20 वर्ल्ड कप में 8वीं बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है। गेल 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबलों में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 148 रन बना चुके हैं। विराट ने पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलक रत्न दिलशान के 135 रन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। दिलशान ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 135 रन बनाए हैं। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं।
वे 5 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। विराट के अलावा क्रिस गेल, डैरल मिचेल, मोहम्मद रिजवान, सैमुअल्स, कुमार संगकारा, शाहीन अफरीदी दो दो बार 50 रन से ज़्यादा स्कोर बना पाए हैं। इतना ही नहीं, कोहली T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में सबसे ज़्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय हैं। वे 5 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और युवराज सिंह एक एक बार 50 प्लस रन बना सके हैं। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के टॉप 2 स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने दूसरी बार 75 प्लस स्कोर बनाया है। इससे पहले वे खुद 2014 में 77 और गौतम गंभीर 2007 में 75 रन की पारी खेल चुके हैं। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बनने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। वे 16वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। कोहली ने सूर्य कुमार यादव के 15 बार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं टूर्नामेंट के दौरान बने कुछ अन्य रिकॉर्डों की। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2024 में 8वां मैच जीता है। भारत ने साउथ अफ्रीका के 8 जीत की बराबरी की। इससे पहले श्रीलंका ने 2009 में 6 मैच जीते थे। क्विंटन डिकॉक ने फाइनल में 39 रनों की पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। क्विंटन डिकॉक ने जैक कालिस के 236 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्विंटन डिकॉक के T20 वर्ल्ड कप में टोटल 239 रन हो गए हैं। भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 रन बनाए। इसी के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बनी है। भारत ने ऑस्ट्रेलियन टीम के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रन बनाए थे। सो गाइस, 2011 के बाद आंखें तरस गई थी कि कोहली और रोहित की टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी को उठाएं। 13 साल का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और रोहित की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम से वर्ल्ड कप छीन लिया। लेकिन साथ ही फैंस के लिए एक मायूसी भी है, क्योंकि रोहित और विराट ने एक साथ T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो गाइज, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने उठा लिया है, उसकी खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ रही है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।